एक खबर सूरत से है। गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के देखरेख में गुजरात के सभी पदाधिकारियों ने गुरुवार को पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया के साथ वर्चुअल बैठक की, जिसमें द सदर्न गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष दिनेश नावड़िया ने कपड़ा उद्योग सहित सभी थोक दुकानें दिन में 4 घंटे खोलने की अनुमति मांगी है। चैंबर के अध्यक्ष दिनेश नावड़िया द्वारा की गई प्रस्तुति में उल्लेख किया गया कि दक्षिण गुजरात में कपड़ा उद्योग सहित सभी उद्योगों की थोक दुकानों को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने की अनुमति दी जानी चाहिए। राज्य में सभी तरह की निर्माण गतिविधियां चल रही हैं, लेकिन व्यापारिक गतिविधियां बंद होने से निर्माण गतिविधियां भी बंद होने के कगार पर हैं। इसीलिए ट्रेडिंग गतिविधि की अनुमति 18 मई 2021 से नए घोषित होने वाले आदेश से दी जाएगी। कपड़ा बाजार की दुकानें बंद होने से बुनाई और प्रोसेसिंग इकाइयों द्वारा उत्पादन कम कर दिया गया है और उत्पादन प्रक्रिया 2 शिफ्टों के बजाय 1 पाली में चल रही है। कपड़ा बाजार बंद रहने पर बुनाई और प्रोसेसिंग इकाइयों को भी बंद करने की आशंका है। ऐसी परिस्थितियों में कपड़ा उद्योग की पूरी आपूर्ति श्रृंखला जारी रहनी चाहिए। राज्य में सभी प्रकार की मेंटेनेंस और रिपेयर सर्विसेज चालू रखी जाए, इत्यादि अलग अलग मांगे रखी गई। पुलिस महानिदेशक आशीष भाटिया ने विभिन्न चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों द्वारा की गई अभ्यावेदन की बात सुनी और कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा गठित कोर कमेटी उद्योग और व्यापार को स्पर्श करने वाले उपयुक्त मुद्दों पर निर्णय लेती है, इसीलिए वह मुख्यमंत्री द्वारा गठित कोर कमेटी के समक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा दिए गए अभ्यावेदन को प्रस्तुत करेंगे। इस बारे में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसकी घोषणा की जाएगी।